फ्रेंड, आज की वीडियो में मैंने आपको ये 2 मीटर कपड़े में टूलिप सिला के बताया है। इस तरीके से जो हमारा कपड़ा होता है, इस तरीके से लंबाई में पहले हमें एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है इस तरीके से, और बंद साइड को हम अपनी साइड रखेंगे। ये जो बंद हिस्सा है हम अपनी साइड रखेंगे इस तरीके से। ये बंद हिस्सा हमारी साइड है, इस तरीके से इसे कॉर्नर बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से कॉर्नर बनाएंगे। दूसरे पल्ले को इस तरीके से हम इसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से हमें कॉर्नर बनाना है 2 इंच के गैप में। इस तरीके से रखेंगे इसे, इस तरीके से हमें बिल्कुल इसे इस पर चिपकाना नहीं है, हल्के से 2 इंच की दूरी पर रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ से नीचे से 2 इंच छोड़ के अब हमने इस पर नाप लेना है। मैं आपको कपड़े पर बताती हूँ करके कि मैंने बंद साइड अपनी साइड कर लिया है। ये हमारा बंद हिस्सा है इस तरीके से, इस तरीके से उठा के हम इसे इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से कॉर्नर बना के इसे भी हम इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से हमने कपड़े को इसके ऊपर बिछा लिया है। इस तरीके से बिछाना है इसे, 2 इंच का गैप है इसमें, बिल्कुल चिपका के नहीं रखना है इसे हमने, थोड़ा दूरी पे रखना है। अब नीचे से हम 2 इंच यहाँ पे छोड़ेंगे। 2 इंच ये जो है खींचने में भी चला जाता है थोड़ा सा, नीचे 2 इंच छोड़ेंगे हम इसे और यहाँ से नाप लेंगे। ये तैयार हमारा 36 इंच है, यहाँ तक 36 इंच आ रहा है ये, तो हमें 34 इंच पर निशान लगाना है। 2 इंच हम बेल्ट के लिए माइनस करेंगे, हमने बेल्ट पर लगाने 2 इंच की इस पर, फिर हम यहाँ से और 34 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ पर, और इंची टैग यहीं पर रहेगा और 34 इंच पर हम इसको निशान लगाते हुए पूरी गोलाई में तरीके से इंची टैग यहीं पर रखेंगे। तरीके से 34 इंच पे हमने ऊपर निशान लगा लिया है, इस गोलाई में हम इसे कट कर देंगे इस तरीके से। गोलाई में हमने कट कर लिया है, इसके बाद अपनी बैठ निकाली। अब यहाँ पे हमने अपने आसन का निशान लगाना है इस तरीके से। इस वाले कपड़े ये इस तरीके से ऐसे रहेगा। तो टूलिप सलवार पे आसन हमारी 13 इंच आती है, तो 2 इंच हमारे ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ देंगे हम इस तरीके से। इंच टैप को 2 इंच ऊपर छोड़ेंगे इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ से 13 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम 1 इंच आसन के लिए इस तरीके से डिब्बा बनाएंगे, इस तरीके से आसन की गोलाई देंगे, इस तरीके से हम आसन की गोलाई देके इसे कट कर देंगे इस तरीके से आसन के लिए। इस तरीके से मैंने इसका आसन भी निकाल लिया है। अब मैं इसकी बेल्ट कटिंग करूँगी, फिर मैं आपको इसको स्टिच करके बताती हूँ। इसकी बेल्ट मैंने किस तरीके से कटिंग करी है मैं आपको बताती हूँ। ये कपड़े को डबल करना है इस तरीके से, बेल्ट डबल में ही आती है वैसे तो। इस तरीके से डबल करके ये 5 इंच की बेल्ट बनाई है मैंने, 5 इंच जो लंबाई में होती है इस तरीके से, 5 इंच की बेल्ट है ये। और इस तरीके से कपड़े को डबल करके जिस तरीके से, जैसे हमारा हिप का नाप है 40 इंच, तो मैंने इसे 20 इंच करके हिप का आधा करके इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। तो इस तरीके से 20 इंच आया ये आधा इंच आधा करके हमारा, इसमें मैंने 4 इंच ऐड कर दिया, ये 24 इंच की, ये डबल में 24 इंच की हो गई है इस तरीके से। इस तरीके से 24 इंच की है इस तरीके से। 2 इंच तो हमारी ये बेल्ट लगेगी और 2 इंच ये नेफ के लिए फोल्ड होगा जहाँ पे हम इलास्ट लगाएंगे, और आधा आधा इंच हमारा जो है सिलाई में चलाई जाता है इस तरीके से, इसलिए मैंने 5। अब जो हमने कटिंग करी थी इसे हम इस तरीके से खोलेंगे, तो इस तरीके से आएगा हमारे पास। इसके 2 पल्ले आए हैं, ये बीच पे जॉइंट है, इसे हम कट कर देंगे कैंची से। इस तरीके से कटिंग होगी, इसका लुक आएगा। अब मैं आपको इसे स्टिच करना बताऊंगी। इस पर सबसे पहले हमें करना क्या होगा, जो ये हमारा है इस तरीके से, तो इस पर हमने पहले ऐसे घुमाते हुए सिलाई लगानी है, मतलब इसे घुमाते हुए इस तरीके से अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस तरीके से पूरे पे, आप चाहो तो लेस भी लगा सकते हैं, लेस भी इसे बहुत सुंदर लगती है। अगर लेस नहीं लगाना चाहते हो तो इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करते हुए जाना है, और नीचे यहाँ पे जो चोज थी
हल्का सा कट भी लगा सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके भी घुमाते हुए पूरे पे हमें यहाँ तक सिलाई लगाते हुए जाना है। इस तरीके से मैंने इस पे सिलाई लगा ली है ये नीचे कॉर्नर तक, और इस तरीके से यहाँ से घुमाते हुए पूरे साइड को मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे आसन को ज्वाइन करेंगे। आसन को हमने किस तरीके से ज्वाइन करना है, इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से रख के दोनों पल्लों को, ये सीधी तरफ है पल्लों के, दोनों साइड के सीधी साइड है, इस तरीके से रखेंगे सीधी साइड की तरफ दोनों पल्ले, ये उल्टी साइड है। इस तरीके से हम इस पर इस तरीके से राउंड में इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, डबल सिलाई कर लेंगे आप। फिर हल्का सा कट लगाएंगे इसे, इस पर हमें सिलाई लगानी है। ये हम आसन ज्वाइन करके बताते हैं। इस तरीके से मैंने इस पर आसन की सिलाई लगा ली है और इस तरीके से हल्के हल्के कट लगा लिए, इस पर पलटने में आसानी रहेगी। इस तरीके से आसन की सिलाई लगाने के बाद वापस से हमें इसी तरीके से रखना है, इसी सेप में रखेंगे हम वापस से। और इस तरीके से मेन सिलाई आएगी इसकी, अब जो इसकी मेन सिलाई होती है बीच की, इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है, इस तरीके से मैंने मार्क किया है। और यहाँ से सिलाई लगाते हुए जाएंगे, नीचे से हम 9 इंच छोड़ेंगे, 9 इंच पे मैं नीचे से मार्क करूँगी ताकि पैर वगैरह डालने के लिए 9 इंच की हमें काफ़ी रहेगा। नीचे से हम 9 इंच पे यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है, यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। ऊपर से यहाँ से सिलाई लगाते हुए जाना है यहाँ से, और इस तरीके से इसे ज्वाइन करते हुए नीचे जहाँ 9 इंच छोड़ा है वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है बस। सिलाई दोनों साइड इसी तरीके से लगेगी सिलाई, कोई पीछे का पल्ला ये नहीं आना चाहिए सिलाई पे, सिर्फ हमें ऊपर के पल्ले को पकड़ना है और इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जाना है। इस तरीके से ऊपर के पल्ले को पकड़ के सिर्फ इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा ली पूरे नीचे तक हमने सिलाई लगा ली है। अब ये सिलाई लगा के जो ये अंदर का कपड़ा है ये इस तरीके से आ रहा है, दिक्कत करता है, तो इसे हम क्या करेंगे इस तरीके से इस पर सीधी सिलाई लगा लेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से इसके साथ ये जॉइंट हो जाएगा। इस पर भी हमने सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है इसकी। अभी हमने जो बेल्ट है हमारी इसे दोनों तरफ से बंद कर लिया है, एक साइड से तो बंद रहेगी, दूसरी साइड से भी इसे बंद कर लिया है इस तरीके से। और इसके नेफे के लिए जो हम इलास्टिक वगैरह डालेंगे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे इसे, इसका सेंटर निकाल के इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी जगह रखेंगे और इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। इसमें नाड़ा या इलास्टिक कुछ भी डाल सकते हैं इस तरीके से, फिर हम इसे अटैच करेंगे। इस तरीके से मैंने नेफा तैयार कर लिया है, इस तरीके से इस पर मैंने सिलाई लगा ली है और यहाँ पे इतनी जगह छोड़ी मैंने इलास्टिक डालने के लिए। इलास्टिक डालने के बाद हम फिर से बंद कर देंगे सिलाई से इस तरीके से। इसके दोनों साइड हमें कट लगाना है दोनों किनारों पर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमने कट लगा लिया है। इसी तरीके से आसन को आसन पे रख के इसके दोनों किनारों पे भी हम कट लगा देंगे इस तरीके से, छोटे छोटे कट लगाने हैं हमने, दोनों साइड में कट लगा लिए। अब इसकी हम प्लेट्स बनाएंगे आगे, ये हिस्सा छोड़ के यहाँ से हम प्लेट्स डालेंगे इस तरीके से इस साइड को, जो ये कट है यहाँ तक हमें प्लेट डालनी है और ये कट में मिलना चाहिए इस तरीके से, इतनी हमें प्लेट डालनी है। तो यहाँ से रख के पहले मैं इस पर पिन से हल्की हल्की प्लेट डाल लेती हूँ, फिर मैं इस पर पूरे पे सिलाई लगा दूँगी इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ तक ये प्लेट आ रही है, यहाँ से ये हमारा कट मिल रहा है, यहाँ तक ये कट से कट मिल रहा है। तो इन प्लेट्स को मैं पिनअप कर दूँगी इस तरीके से, मैंने ये पिनअप कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमने साइड में भी प्लेट डालनी है, इन प्लेट्स का मूव साइड को आएगा, इनका इस साइड को आएगा अपोजिट साइड में। सेम इसी तरीके से ये हमारा कट आ गया है। इसी तरीके से मैंने इधर भी पिनअप कर दिया है। अब पहले मैं क्या करूँगी, पिन को हटा के जब सिलाई लगाऊंगी इस तरीके से इस पर सिलाई लगा देती हूँ पहले, फिर सेम इसी तरीके से पीछे भी प्लेटें पड़ेंगी, पहले मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ इस तरीके से। देखिए यहाँ से हमें सिलाई लगानी है, ये जो प्लेट डाल रखी हमने इस तरीके से, और मैंने इस तरीके से
देखिए दोनों साइड मैंने प्लेट डाल दी है और ये इसका कट से कट मैच कर रहा है, बिल्कुल कट पे कट आ रहा है। और सेम इसी तरीके से अब मैं पीछे भी करूँगी, पीछे भी हमें सेम इसी तरीके से प्लेट डालनी है कट से कट मिला के। यहाँ पे हम सेंटर रखेंगे और सेम इसी तरीके से पिनअप करके फिर उस पर सिलाई लगा के इस तरीके से प्लेट डालेंगे। यहाँ पे हमारा कट आ रहा है, इसकी कट पे कट आ रहा है हमारा ये इस तरीके से। सेम इसी तरीके से मैं पीछे भी प्लेट डालूँगी इसमें, सेम इसी तरीके से मैंने पीछे भी इस तरीके से प्लेट डाली है। इस तरीके से तीन तीन प्लेट आई है पीछे भी, ये हमारा सीधा रह गई है। अभी जो बेल्ट सीधी है हमारी, इसे हम इस तरीके से इस पर डाल लेंगे इस तरीके से। हमने ये बेल्ट डाल ली है इस पर, सेंटर लेके इसका बेल्ट का सेंटर, ये आसन का सेंटर लेके इस तरीके से बस चारों तरफ इस तरीके से सिलाई मारनी है घुमा के, बाकी कुछ नहीं है। इस तरीके से चाहो तो पिनअप कर लो इस तरीके से बस, फिर हम इसे सीधा करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से हमें बस घुमाते हुए सिलाई लगा लेनी है, ये सेंटर से सेंटर मिला के हमें इस पर सिलाई लगाएंगे चारों तरफ से, चारों किनारों के कट से कट मिला के चारों तरफ सिलाई लगा लिए। इस तरीके से हम इसे सीधा करेंगे। अब एक हम इस पर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे, वो इस तरीके से लगेगी। ये जो हमारे इस तरीके से हैं सब इस तरीके से रहेंगे चुन्नट, और ऊपर से इसके एक सूत की यहाँ से सिलाई लगेगी, यहाँ से इस तरीके से फिनिशिंग की सिलाई आती है हमारी, इसे भी लगा लेती हूँ मैं। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से ये टूलिप सलवार बन के तैयार हो गया है। इसे मैं अपनी इलास्टिक डालूँगी, इलास्टिक हमें 7-8 इंच कम ही रखनी होती है। मैं इस पर इलास्टिक डालूँगी। अगर वीडियो पसंद आए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, धन्यवाद। अब मैं इस पर इस तरीके से डाल दूँगी, इसे डालने के बाद इस पर ज्वाइंट कर दूँगी, उस पर सिलाई लगा लूँगी, धन्यवाद।